दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको पूरी तरह से हिला के रख देगी, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन जिन लोगों ने अपने फोन पर अपडेट नहीं किया है, या अपने फोन को या फिर अपने फोन के एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करते हैं, तो उनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहे एंड तक। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किन किन परेशानियों को झेलेंगे या झेलने वाले हैं अगर आप अपने फोन के एप्लीकेशन को या आप अपने फोन को अपडेट नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, और हाँ, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको फोन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी और सारी की सारी रियल इन्फॉर्मेशन होंगी। ओके, सो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन यूजर हैं तो आपने अपने फोन पर अपडेट का ऑप्शन तो देखा ही होगा, और हाँ, आपने कई एप्लीकेशन को अपडेट भी किया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ एप्लीकेशनों को अपडेट नहीं करते हैं, उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है, इतनी ज़्यादा बड़ी गलती जिसकी भरपाई आपको करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपडेट नहीं करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको आपकी एक ऐसी गलती बताने वाला हूँ, एक ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूँ जिसको जानकर आप बहुत ही ज़्यादा चौंक जाएंगे। दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन यूजर हो तो जाहिर सी बात है कि आपने अलग अलग कामों के लिए आपने अपने फ़ोन पर एप्लीकेशन रखी होंगी और उन्हें समय समय पर अपडेट भी करते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो अपने फ़ोन पर एप्लीकेशन तो रखते हैं बट उसे अपडेट नहीं करते हैं। तो उन्हें अपडेट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और इससे क्या लाभ होते हैं, तो दोस्तों मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू अपडेट एप्लीकेशन। ओके, सो चलिए हम बता देते हैं क्यों। दोस्तों, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने अपना घर बनाया, ठीक है, और कुछ साल बाद आप देखेंगे कि आपकी दीवार की जो आपने पुट्टी लगाई होगी, सीमेंट लगाई होगी, वो गिरने लगती है, ठीक है, और आप ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद आप देखते हैं कि छत की भी सीमेंट गिरने लगी है, लेकिन आप फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखेंगे कुछ समय बाद आपका घर इतना वीक हो जाएगा, आपके घर की दीवारें इतनी वीक हो जाएंगी कि वो छत का जो बैलेंस है वो नहीं सह पाती और घर गिर जाता है। तो दोस्तों, जो ये दीवारें हैं या जो सीमेंट छूट रही है, यही है अपडेट। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। हम इसको अगर रिपेयर करेंगे और उस पर पुट्टी लगाएंगे या उसको अच्छे से रखेंगे तो इसको ही कहते हैं अपडेट, या सुधारना या बदलाव करना या उसमें करप्शन करना। तो कंपनी क्या होता है, कंपनी समय समय पर एप्लीकेशन का या फ़ोन का अपडेट देती रहती है। वो इसलिए देती है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन में कोई भी मिस्टेक दिखती है उन्हें, तो वो उसे ठीक करते हैं, जिसके ज़रिए आपको अपडेट दिया जाता है कि इसे अपडेट कर लीजिए, इसे फिर से इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे थोड़ा आपका डाटा तो खर्च होता है, लेकिन डाटा बचत करने के चक्कर में कुछ लोग अपडेट नहीं करते हैं, मतलब जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपडेट नहीं करते हो तो आज से अपडेट करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप, क्या होता है, कंपनी उसे अपडेट इसलिए करवाती है कि अगर मान लीजिए किसी प्रॉब्लम, आप उनके फ़ोन में कोई, उनके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके ज़रिए कोई भी अननोन हैकर उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है या आपका डाटा चुरा सकता है, तो इसके लिए ही उन्होंने उसमें ये करप्शन किया, ये सुधार किया है कि कोई भी अननोन हैकर या कोई भी अननोन पर्सन आपका डाटा चुरा ना सके। अब आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप में पहले, जब हाल ही में व्हाट्सएप आया था, तो उसमें वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगर कंपनी उसे अपडेट ना करती तो क्या आप उससे वीडियो कॉलिंग कर पाते? नहीं। और साथ ही अगर गूगल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को या अपने ऑफिशियल एप्लीकेशन को टाइम टू टाइम अपडेट ना करती, तो क्या आज लोग इंटरनेट या विंडो 10 या इंटरनेट 10 सर्वर इस तरह करके आप यूज़ कर पाते, या इंटरनेट इतना फास्ट हो पाता, या इंटरनेट की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ पाती? नहीं, आप वहीं के वहीं रह जाते। तो दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी जब आती है तो टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा उसमें सुधार किए जाते हैं या कुछ नए फीचर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी कोई भी अपडेट आता है तो उसमें अपडेट करती है। या फ़ोन नया, मान लो आपने सैमसंग का फ़ोन ले लिया, या एमआई का फ़ोन ले लिया, वीवो का ले लिया, किसी भी कंपनी का फ़ोन ले लिया,
यहाँ की लाइक करके आपने आईफोन परचेस किया है, ठीक है, तो उस कंपनी वो कंपनी वाले भी उस फोन के लिए टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं ताकि आपका फोन वेल मेंटेन रह सके और कोई भी अननोन हैकर या कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपके फोन में घुस ना सके। तो दोस्तों मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा एक रियल इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि जो भी मेरे व्यूअर हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो सारे के सारे जानते होंगे कि मैं एक रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप जैसा कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया मेरे पिछले वीडियो को और उम्मीद है कि आप इसी तरह आगे भी प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे जिसके चलते मैं बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच सकता हूं, ओके। और आपके प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको एक रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहता हूं। और हाँ, जो लोग ट्रू कॉलर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उनके लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है। जाइए, चैनल पर वीडियो दिया हुआ है, उसको देखने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आप उसी दिन से उसे यूज़ करना बंद कर देंगे, मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगी होंगी और आपके लिए यूजफुल आई होंगी। तो दोस्तों एक यही रीज़न भी होता है इसके साथ साथ कि हमारा फ़ोन हैक हो जाता है, क्योंकि हम फ़ोन को अपडेट नहीं करते हैं, इसके साथ ही ना ही कोई एप्लीकेशन अपडेट करते हैं जिसके जरिए हमारा डाटा चोरी हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपका फ़ोन हैक है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। लेकिन इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, ऊपर आई बटन में भी मैंने वीडियो दे दिए और आपको वीडियो के एंड में एक एंड स्क्रीन पर एक वीडियो मिल जाएगा जिसको देख कर आप अपने फ़ोन को अनहैक कर सकते हैं। लेकिन अगर तब भी आपका फ़ोन अनहैक नहीं होता है तो मुझे कमेंट करें, जितनी ज़्यादा कमेंट होंगी मैं उतनी जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर आपका कोई टॉपिक है तो मुझे बता दीजिए, मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ये मेरा नाम स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जाइए मुझे फॉलो करें। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।